हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका नेटमेट की नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिहाइड्रेशन क्या होता है एंड पानी की कमी के कारण लक्षण, और डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो जाए तो क्या करें एंड पानी की कमी को दूर कैसे करें, एंड डिहाइड्रेशन होने पर डॉक्टर कौन सी ड्रिप लगाते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इस चैनल पर आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। चलिए बात करें डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं। डिहाइड्रेशन का हिंदी मीनिंग निर्जलीकरण होता है। डिहाइड्रेशन की समस्या शरीर में पानी की कमी होने पर होती है। यह समस्या तब होती है जब जितना हम पानी पीते हैं उससे ज़्यादा हमारे अंदर से पानी निकल रहा हो, जैसे पसीने के रूप में या पेशाब के रूप में या अत्यधिक मेहनत करने से, तो उस कंडीशन में हमें डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। डिहाइड्रेशन की समस्या में तीन स्टेज होती है, या तो आपको हल्की पानी की कमी होगी, या मीडियम या सीवियर कंडीशन में होती है, और जब हमारी बॉडी को जितना जरूरी है उतना पानी नहीं मिलने पर पानी की कमी से मौत भी हो सकती है। एंड डिहाइड्रेशन होने के कारण क्या होते हैं, देखो, पसीना आना, सांस लेना, पेशाब करना, आंसू और थूक के द्वारा हर दिन शरीर से पानी का निकलना एक सामान्य प्रक्रिया है। वहीं इस तरल की कमी हम पानी पीकर या उन चीज़ों को खाकर पूर्ति कर लेते हैं जिनमें पानी की मात्रा होती है। हालांकि अगर आपके शरीर से ज़्यादा मात्रा में पानी निकल जाता है और आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की समस्या होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। अगर बात हम डिहाइड्रेशन होने के कारण की करें तो इन स्थितियों में ज्यादा संभावना होती है, जैसे धूप में काम करना, बुखार आना, पानी की कमी से दस्त लगना, उल्टी होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाना, पानी नहीं पीना, ये डिहाइड्रेशन के कारण हो सकते हैं। बात करें हम डिहाइड्रेशन के लक्षण की, तो डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षणों में से एक हमारे शरीर के वजन का तेजी से कम होना, एंड वहीं आपका 10% से अधिक वजन तेजी से कम होना डिहाइड्रेशन की गंभीर लक्षणों में से एक माना जाता है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं जो डिहाइड्रेशन की ओर इशारा करते हैं। यदि आपको प्यास लग रही है इसका मतलब ये है कि आपको पानी पीने की आवश्यकता है। डार्क यूरिन होना इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। डिहाइड्रेशन में व्यक्ति को थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आना, घबराहट होना, मुंह का सूखना, स्किन का रूखी पड़ जाना या कब्ज होना, ये सब पानी की कमी के लक्षण होते हैं। अब उपाय क्या है पानी की कमी को दूर करने के लिए, आपको ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी पीने से डिहाइड्रेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। दरअसल नारियल पानी के सेवन से शरीर में पोटेशियम और सोडियम की पूर्ति तुरंत होती है, जिससे डिहाइड्रेशन काफी हद तक नियंत्रित हो जाता है। छाछ के सेवन से भी डिहाइड्रेशन में सुधार लाया जा सकता है। दरअसल छाछ पोटेशियम और मैग्नीशियम से युक्त एक नेचुरल प्रोबायोटिक होती है, जिसके 2 से 4 बार सेवन के बाद ही डिहाइड्रेशन में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है। सूप शरीर में मिनरल्स के साथ पानी की आपूर्ति करता है, इसके सेवन से भी सुधार लाया जा सकता है। ग्रीन टी के सेवन से भी पानी की कमी पूरी हो सकती है। हमें नमक का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, और नींबू पानी, जूस, ORS आदि के सेवन से भी डिहाइड्रेशन पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। जितना हो सके आपको पानी पीना चाहिए। अधिक प्रभाव के लिए इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम युक्त तरल का सेवन करना चाहिए। एंड आपको फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए या लिक्विड फॉर्म में भी पी सकते हैं। यदि आपको सीवियर कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो गया है, जैसे आपको पेशाब भी नहीं हो रहा हो, एक्सरे रेट कम हो गई हो, चक्कर आ रहे हो, तो आपको हॉस्पिटल में जरूर जाना चाहिए एंड डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। बात करें डिहाइड्रेशन में डॉक्टर कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं एंड कौन सी ड्रिप लगाते हैं, डॉक्टर आपको डिहाइड्रेशन के लिए NS नॉर्मल सलाइन 500 ml बोतल लगाते हैं, या RL रिंगल लेक्टेट बोतल 500 ml लगाते हैं, और DNS 500 भी लगा सकते हैं, या तो मेट्रोजिल 100 ml इंजेक्शन आपको IV दे सकते हैं। एंड डॉक्टर आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और ORS पाउडर या ORS लिक्विड पीने की सलाह देगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसी और हेल्थ से रिलेटेड एंड आपके मेडिकल नॉलेज को बढ़ाने वाली वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।